हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही फेमस एक डिश है, मुंबई की ज़्यादा फेमस है, ये समोसा चाट बनाने जा रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी आप लोग के सामने दो ही समोसों की चाट बनाऊँगी, फिर मैं बाद में बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने दो समोसे, सीधी सी बात है, थोड़ा सा मैंने पनीर ग्रेट करके ले लिया है गार्निशिंग के लिए। ये मेरी मीठी चटनी है, ये मेरी हरी चटनी है, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, सब कुछ मेजरमेंट करके लिया है। कितना कितना डालना है मैं आपको बता दूंगी। फ्रोज़न मटर जो आते हैं, सीजनल तो नहीं है, उन्हीं को मैंने रख लिया है यहाँ पे हल्का सा बॉईल करके। और ये मेरी आलू भुजिया नमकीन है, ये मेरे थोड़े से रोस्टेड पीनट्स हैं, फ्राइड पीनट्स हैं, और थोड़ा सा ये एक स्मॉल साइज़ का अनियन बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है, मीडियम साइज़ का टमाटर इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैन में ऑयल ले लिया है, जो कि मेरा है 2-3 टेबल स्पून, अच्छे से हीट हो चुका है। तो अब सबसे पहले इसमें हम अनियन डालेंगे। जिस तरह से मुंबई में स्ट्रीट साइड पे लगे रहते हैं स्टॉल्स वगैरह, बहुत फेमस है समोसा चाट, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको वैसे ही बना के खिलाऊँ। तो प्याज को अच्छे से हम लोग कुक कर लेते हैं, बहुत ही झटपट बन जाती है। और भाई चाट है तो चाट में दो चार इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा तो लगते ही हैं, तभी वो चाट चाट कहलाती है। अच्छे से 1-2 मिनट थोड़ा सा जो हमारा प्याज है उसको भून लेती हूँ। 2 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन होने लगी है मेरी प्याज। तो अभी इसमें हम डाल देंगे टमाटर, साथ ही में डाल देंगे ये मटर भी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर और मटर को भी अच्छे से कुक हो जाने देंगे 3-4 मिनट, फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छे से इनको भी कुक होने देंगे। टमाटरों में मैं हल्का सा नमक डालूंगी जिससे टमाटर जल्दी से गल जाए, और मटर भी थोड़ा सा मैशी मैशी करना है। हल्का सा नमक डाला है 1/3 टीस्पून के जितना, क्योंकि अभी हमारी चटनियों में नमक है, समोसों में भी होता है, तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। मिलके मिक्स कर देते हैं। थोड़ी सी मैं डालूंगी लाल मिर्च, बिल्कुल ज़रा सी, बहुत तेज़ है मेरी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कम से कम 3-4 मिनट इनको अच्छे से हल्का हल्का टमाटर मैशी से हो जाए तब तक हम पका लेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अभी इस मैशर की हेल्प से मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रेस करते हुए इनको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से मैश कर लूँगी, जल्दी हो जाएगा। तरह से इसी तरह से स्ट्रीट साइड पे वो लोग करते हैं मैशर की हेल्प से, इस तरह से दबाते हुए। अच्छे से मैंने इसको हल्का हल्का मैश कर दिया है। अब बारी हमारे समोसे जाने की, इसमें हम डालेंगे समोसे। और समोसों का आप चाहे तो पहले ही हल्के हल्के पीस कर दीजिए, वरना यहाँ पे आके आप इस तरह से हल्का हल्का मैश कर लीजिए इस तरह से। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरे समोसे प्रेस हो चुके हैं। इतनी टेस्टी ये चाट लगती है ना, मैं बता नहीं सकती। वैसे मैं कई बार बना के खा चुकी हूँ, सोचा आप लोग के साथ इस बार शेयर कर लूँ इसकी रेसिपी। अगर आप लोग का भी मन करे तो किस तरह आप घर पे ही बना के नॉर्मल तरीके से खा सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एकदम हलवा नहीं करना है समोसों को, हल्का सा चंकी चंकी भी रहने देना है। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अच्छे से मैंने इस समोसों के साथ में भी 1-2 मिनट तक भून लिया है, चूल्हा कर दिया है बंद। अब इस सारी चीज़ों को हम प्लेट पे निकाल लेंगे अच्छे से। इस तरह से इस प्लेट पे मैं निकाल के रख लेती हूँ सारी अपनी समोसा जो अभी फ्राई करके बनाया है, अभी इसकी सजावट करनी बाकी है। तो
चलिए फिर फ्रेंड्स, मैंने प्लेट पे पूरा निकाल के रख लिया है। अब करते हैं इसकी सजावट, जैसे हम मार्केट में खाते हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैंने पीनट्स रोस्ट करके रखे हैं, उन्हें डाल देंगे इस तरह से। एक ही साथ डाल देती हूँ, मैंने पीनट्स डाल दिए। डालेंगे थोड़ी सी हरी वाली चटनी, ये अदरक लहसुन ग्रीन चिली और हरे धनिया और नमक की चटनी होती है। बहुत, वैसे तो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है लगभग 1.5 टीस्पून के करीब, 1.5, बहुत ज़्यादा नहीं, तीखी ज़्यादा हो जाएगी। अब डालेंगे ये मीठी वाली चटनी। ये मीठी चटनी कैसे बनती है, इसकी आपको अगर रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको दूंगी। को भी अच्छे से डालेंगे भाई, मीठी और तीखी चटनी के बिना कोई भी चाट अधूरी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी मीठी चाट भी डाल दी है, साथ ही में डालेंगे ये आलू भुजिया नमकीन। दो से तीन चम्मच के करीब होगी, मैंने डाल दी है। दो समोसों में आप अच्छे से कम 2 से 3 लोगों का पेट भर सकते हैं इस चाट से। इतने इंग्रेडिएंट्स अगर डालें, सबसे लास्ट में ये जो पनीर है ग्रेट किया हुआ, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप पसंद नहीं करते तो ना डालें, वैसे अच्छा लगता है अगर आप डालें तो। ये लीजिए, ऊपर से थोड़ी सी और में लाल चटनी इस तरह से, और थोड़ी सी हरी चटनी भी जो हमारी बच गई है। यमी यमी चाट, हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल। बस अब मुस्कुराने जा रहा है, मैं तो जा रही हूँ खाने, आप लोग भी आ जाएं। चलिए फिर, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।